नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास नाइन्थ इंग्लिश के फोर्थ चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूँ कि जब यह वीडियो लेक्चर कम्प्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले इस चैप्टर के टाइटल की बात करें तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अ ट्रूली, ट्रूली मतलब होता है वास्तव में, ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर, माइंड मतलब होता है मन, मस्तिष्क या दिमाग। तो आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, इसकी हिंदी आप ऐसे कह सकते हैं कि वास्तव में एक सुंदर मन। अब इसके आगे इसकी टेक्स्ट पर चलते हैं। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ से स्टार्ट है, और मेरी जो बुक है वो राजीव प्रकाशन की है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछते हैं किस प्रकाशन की बुक है, तो ये बुक राजीव प्रकाशन की है बेटा, और इलाहाबाद के किसी भी क्षेत्र में आपको ये बुक बहुत सरलता से मिल जाएगी। चलो, यहाँ पर कहते हैं कि अल्ब आइंस्टीन, तो अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज बर्न का जन्म ऑन 14 मार्च 1879। इसको छोटा छोटा करके पढ़ना, नहीं तो यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पहली लाइन समझो कि अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज बॉर्न ऑन 14 मार्च 1879। पहले इतना समझो, तो अल्बर्ट आइंस्टीन, बॉर्न मतलब होता है जन्म हुआ था, वॉज मतलब था, तो अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था ऑन 14 मार्च 1889 को, सॉरी 79 है, तो 1879 को। तो अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को हुआ था। अब इसके आगे कहते हैं कि इन द जर्मन, इन द जर्मन, जर्मन का मतलब है जर्मनी के सिटी मतलब शहर में, ऑफ उल्म, उल्म शहर में, ठीक है, तो जर्मनी के उल्म शहर में। तो आप पूरा जोड़कर पढ़ सकते हो कि अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म शहर में हुआ था। यहाँ तक हो गया। चलो इसको थोड़ा सा और छोटा करेंगे, नहीं तो यहाँ पे डरते हैं बच्चे इस लाइन से, बहुत बड़ी है ना। अब कहते हैं कि विदाउट, यानी मतलब होता है इसका मतलब बिना, एनी मतलब किसी, इंडिकेशन संकेत, बिना किसी संकेत के, विदाउट एनी इंडिकेशन इसका मतलब होता है बिना किसी संकेत के, दैट कि ही वॉज डिस्टिनेट, ही वॉज डिस्टिनेट कि उसकी नियति है या फिर उसका ये नियत है फॉर ग्रेटनेस कि वो महान बनेगा, या फिर महान बनना डिस्टिनेट उसकी नियति है। तो बिना किसी संकेत के कि महान बनना उसकी नियति है, या फिर बिना किसी संकेत के कि वो महान बनेगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म शहर में हुआ था, विदाउट एनी इंडिकेशन, बिना किसी संकेत के, दैट ही वॉज डिस्टिनेड फॉर ग्रेटनेस कि वो महान बनेगा। तो अब सबसे पहले आप इसको पढ़ो, विदाउट एनी इंडिकेशन, बिना किसी संकेत के, दैट कि ही वॉज डेस्टिनेड फॉर ग्रेटनेस कि वो महान बनेगा, ठीक है। तो इसको ऐसे पढ़ो कि बिना किसी संकेत के कि उसका महान बनना नियत है या फिर वो महान बनेगा, ठीक है। तो डेस्टिनेड मतलब होता है नियत, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि महान बनना उसकी नियति है, कई तरह से चैप्टर पढ़ाया जा सकता है। तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हो कि बिना किसी संकेत के कि महान बनना उसकी नियति है, या फिर बिना किसी संकेत के कि वो महान बनेगा, या फिर बिना किसी संकेत के कि महान बनना उसका महान बनना नियत है। नियत मतलब तय है, ठीक है। कई तरह से समझा रहा हूँ ताकि डाउट ना हो, बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर है, और जब चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं, ठीक है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ बार बार। तो अब मैं एक ही बोलूँगा, तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि विदाउट एनी इंडिकेशन, बिना किसी ऐसे संकेत के, दैट ही वॉज डिस्टेंट फॉर ग्रेटनेस कि उसका महान बनना, उसका महान बनना नियति है, अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म शहर में हुआ था। क्लियर है। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, हिज मदर, उसकी माँ थॉट, सोचती थी, अल्बर्ट वॉज अ फ्रेक,
कि अल्बर्ट फ्रेक है, अल्बर्ट सन की है। इसके विपरीत, या इसके विपरीत ही बोलो, तो इसके विपरीत उसकी माँ सोचती थी कि अल्बर्ट सन की है। टू हर, उसकी माँ के लिए। हर लगा है लड़की के लिए, हिम लगा होता तो लड़के के लिए यानी पिता के लिए हो जाता, हर लगा तो माता के लिए। तो उसकी माता को लगता था हीज हेड, कि उसका सिर सीम्ड, सीम्ड मतलब होता है लगता था, लगना, दिखना, प्रतीत होना। तो हेड सीम्ड मच टू लार्ज, बहुत बड़ा लगता था। तो टू हर, उसकी माता जी को हीज हेड, उसका सिर यानी अल्बर्ट आइंस्टीन का सिर सीम्ड मच टू लार्ज, बहुत बड़ा लगता था या बहुत बड़ा प्रतीत होता था। तो पहला पैसेज यह है, यहाँ से यहाँ तक इसमें बहुत डाउट होता है, इसलिए एक बार फिर से देखेंगे। तो आगे की लाइनों को छोड़ते हुए आप डायरेक्ट यहाँ पर आएंगे, तो आप इसका मतलब है विदाउट एनी इंडिकेशन, बिना किसी ऐसे संकेत के, दैट ही वॉज डिस्टिनेट फॉर ग्रेटनेस, कि ही वाज, कि उसका महान बनना नियति है। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म शहर में हुआ था। चलो इसके आगे, ऑन द कंट्रेरी, इसका मतलब होता है इसके विपरीत, हिज मदर थॉट, उसकी माँ सोचती थी यानी अल्बर्ट आइंस्टीन की माँ सोचती थी कि अल्बर्ट वॉज अ फ्रीक, की अल्बर्ट सन की है। टू हर, उसकी माँ को हिज हेड, अल्बर्ट का सर, हीज लगा है ना तो अल्बर्ट के लिए यूज हुआ है, हर लगा होता तो उसकी माँ के लिए ही यूज होता। बहुत ज़्यादा बेसिक से पढ़ा रहा हूँ ताकि डाउट ना हो। टू हर, उसकी माँ को हीज हेड, अल्बर्ट का सर या उसका सर सीम्ड मच टू लार्ज, बहुत बड़ा प्रतीत होता था। ठीक है, तो उसकी माँ को उनका सर बहुत बड़ा प्रतीत होता था, यानी आप ऐसे भी पढ़ सकते हो कि उनका सर, या फिर आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि उसकी माँ को अल्बर्ट का सर बहुत बड़ा प्रतीत होता था। चलो डाउट खत्म, अब आगे का सब आसान है। एट द एज ऑफ 2 एंड हाफ, एट द एज, एज मतलब उम्र, 2 एंड हाफ मतलब ढाई वर्ष, तो ढाई वर्ष की उम्र में या ढाई वर्ष की उम्र तक आइंस्टीन स्टिल वॉजन टैकिंग, आइंस्टीन स्टिल वॉजन टैकिंग, वॉज नॉट टैकिंग, टैक मतलब बात करना, वॉज नॉट नहीं करते थे, तो आइंस्टीन बात नहीं कर सकते थे या फिर बात करना नहीं सीख पाए थे। ठीक है, तो ढाई वर्ष की आयु तक आइंस्टीन बात करना नहीं जानते थे। ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा हो तो सीधा सीधा बोल दो कि ढाई वर्ष की उम्र तक आइंस्टीन बोल नहीं पाते थे। ठीक है, व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, ये तो क्लियर हो गया ना कि एट द एज ऑफ 2 एंड हाफ, ढाई वर्ष की आयु तक आइंस्टीन स्टिल वाजन टॉकिंग, आइंस्टीन बोल नहीं पाते थे। या फिर आप ऐसे भी पढ़ाए जा सकते हैं, आपके अध्यापक ऐसे भी पढ़ा सकते हैं कि ढाई वर्ष की आयु तक आइंस्टीन बोलना सीख नहीं पाए थे। जैसा आपको याद हो जाए आप वैसा बोलें। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, व्हेन और अंततः, फाइनली और जब अंततः, डिड लर्न टू स्पीक, उन्होंने बोलना सीखा, और व्हेन, व्हेन मतलब जब, ही फाइनली उन्होंने, अंततः, ही मतलब उन्होंने, फाइनली मतलब अंततः, लर्न सीखा टू स्पीक बोलना, और जब अंततः उन्होंने बोलना सीखा, ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस, एवरीथिंग हर चीज को ट्वाइस, दो बार अटर्ड, दोहराते थे। तो वो हर चीज को दो बार दोहराते थे, जैसे लड़खड़ा कर बोलते थे। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि जैसे बोलना है किताब तो किताब, ठीक है, किताब किताब, यानी मुझे किताब चाहिए। थोड़े लोग रुक रुक कर बोलते हैं ना, अटक अटक कर, वो टाइप, ठीक है, अटर होता है रुक रुक कर बोलना। तो व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, और उन्होंने अंततः जब बोलना सीखा, तो वहाँ हर चीज दो बार दोहराते थे। ठीक है, आइंस्टीन डिड नॉट नो, आइंस्टीन को पता नहीं था व्हाट टू डू, कि क्या किया जाए विथ अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों के साथ। अब ये क्या बात हुई कि आइंस्टीन को पता नहीं था कि दूसरे बच्चों के साथ क्या किया जाए, तो इसका मतलब ये है कि आइंस्टीन डिड नॉट नो, आइंस्टीन को पता नहीं था व्हाट टू डू, कि कैसा व्यवहार करना है विथ अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों के साथ। तो दूसरे बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये आइंस्टीन को पता नहीं था। एंड हिज प्लेमेट्स, और प्लेमेट, प्ले मतलब होता है खेलना, मेट्स मतलब होता है खेलने वाले, साथ खेलने वाले बच्चे। एंड हीज प्लेमेट्स, और उनके साथ खेलने वाले बच्चे कार्ल्ड हिम, उनको बुलाते थे ब्रदर बोरिंग, बोरिंग मतलब होता है उबाऊ, ब्रदर मतलब भाई, तो उबाऊ भाई बुलाते थे।
और उनके साथ खेलने वाले बच्चे उन्हें ब्रदर बोरिंग कहते थे। आप ब्रदर बोरिंग ही बोलेंगे, ब्रदर बोरिंग की हिंदी होती है उबाऊ भाई। तो उनके साथ खेलने वाले बच्चे उन्हें ब्रदर बोरिंग कहते थे। सो द यंगस्टर, इसलिए ये छोटा लड़का प्लेड बाय हिमसेल्फ, अकेले ही खेलता था मच ऑफ द टाइम, ज़्यादातर समय। इसीलिए यह छोटा लड़का ज़्यादातर समय प्लेड बाय हिमसेल्फ, अकेले ही खेलता था। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज। ही स्पेशली, ही मतलब वह, स्पेशली मतलब विशेष रूप से, तो वह विशेष रूप से मैकेनिकल टॉयज, मैकेनिकल मतलब होता है मशीनी, टॉयज मतलब खिलौनों से लव्ड प्रेम करते थे। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि वह विशेष रूप से मशीनी खिलौनों को पसंद करते थे। लुकिंग एट हीज न्यू बर्न सिस्टर, लुकिंग देख कर ही एट हीज अपनी न्यू बर्न नवजात सिस्टर बहन को, न्यू बर्न मतलब होता है नवजात, तो अपनी नवजात बहन को देख कर, माजा, उस लड़की का नाम क्या था, माजा, तो अपनी नवजात बहन माजा को देख कर ही सैड, उन्होंने कहा था, टू हैव सैड ऐसा कहा जाता है। देखो यहाँ पे कन्फ्यूज़ होते हैं बच्चे। ही इज सैड, इसकी हिंदी हो जाएगी उन्होंने कहा था, यानी आइंस्टीन ने कहा था। टू हैव सैड ऐसा कहा जाता है, तो इसकी, टू हैव सैड की हिंदी होगी ऐसा कहा जाता है कि, ही सैड उन्होंने कहा था। क्लियर है? तो लुकिंग एट हिज न्यू बर्न सिस्टर माजा, तो अपनी नवजात बहन माजा को देख कर, या फिर आप ऐसे बोलो क्योंकि डाउट नहीं होना चाहिए, तो टू हैव सैड ऐसा कहा जाता है कि, न्यू ही लुकिंग एट हिज न्यू बर्न सिस्टर माजा, तो अपनी नवजात बहन माजा को देख कर ही इट्स सैड उन्होंने कहा था, फाइन अच्छा है, बट वेयर आर हर व्हील्स, बट वेयर कहाँ है हर व्हील्स, इसके पहिए, अच्छा है लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं। सोचिए बच्चों के पहिए होते हैं, उनके तो पैर होते हैं ना, तो वही कह रहे हैं कि इनको मैकेनिकल टॉयज़ ज़्यादा पसंद थे, ये ज़्यादातर मैकेनिकल टॉयज़ के साथ ही खेलते थे। तो यहाँ पे क्लियर है ना बच्चा, डरना मत इससे। टू हैव सैड का मतलब है कि ऐसा लोग कहते हैं, ही सैड कि ऐसा अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, मतलब समझ में आ गया? तो टू हैव सैड ऐसा लोग कहते हैं, या फिर ऐसा कहा जाता है कि अपनी नवजात बहन माजा को देख कर, ही इट्स सैड उन्होंने कहा था, या आइंस्टीन ने कहा था, फाइन अच्छा है, बट वेयर आर हर व्हील्स, लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं। ओटो न्यूगेबार द हिस्टोरियन, हिस्टोरियन मतलब होता है इतिहासकार, एंशियंट मतलब होता है प्राचीन, मैथमेटिक्स मतलब होता है गणित, तो प्राचीन गणित, एंशियंट मैथमेटिक्स, प्राचीन गणित के हिस्टोरियन इतिहासकार ओटो न्यूगेबार, तो प्राचीन गणित के इतिहासकार ओटो न्यूगेबार टोल्ड ए स्टोरी, एक कहानी सुनाते हैं, अबाउट द बॉय आइंस्टीन, लड़के या बालक आइंस्टीन के बारे में। ठीक है, तो प्राचीन गणित के इतिहासकार ओटो न्यूगेबार बॉय आइंस्टीन, बालक आइंस्टीन के बारे में टोल्ड अ स्टोरी, एक कहानी सुनाते हैं, दैट कि ही कैरेक्टराइजेज एज अ लेजेंड, कि वो एक दंत कथा सा लगता है। ही कैरेक्टराइजेज एज अ लेजेंड, इसकी हिंदी होगी वह एक दंत कथा सा लगता है। कैरेक्टराइजेस मतलब उसका जो चरित्र है वो लेजेंड जैसा है, लेजेंड मतलब होता है दंत कथा। ठीक है, दंत कथा मतलब लेजेंड कौन होते हैं, जो अपने काम में माहिर हो, जो तब बोले जब बोलने की आवश्यकता हो और जब बोले तो उस बात का कोई मतलब हो। लेजेंड मतलब हमारी लाइफ में लेजेंड कौन है, हमारे माता पिता, जो हमारे लिए अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं, हमारे पीछे अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं हमारे भविष्य को बनाने के लिए, तो लेजेंड वही होता है ना जो हमारे लिए हीरो हो। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि लेजेंड मतलब होता है दंत कथा, कि उसकी जो कहानी है ना वो दंत कथा जैसी है, यानी वो अपनी कहानियों का एक अलग ही नायक है, ऐसी बात यहाँ पे कही जा रही है। तो प्राचीन गणित के इतिहासकार ओटो न्यूगेबार ने टोल्ड अ स्टोरी, एक कहानी सुनाई अबाउट द बॉय आइंस्टीन, बालक आइंस्टीन के बारे में, यहाँ पे छोटा कर लो बॉय आइंस्टीन तक। ठीक है, तो बालक आइंस्टीन के बारे में प्राचीन गणित के इतिहासकार ओटो न्यूगेबार ने एक कहानी सुनाई, दैट कि
ही कैरेक्टराइजेस एज अ लेजेंड, कि वो एक दंतकथा जैसा लगता है, कि वो एक दंतकथा जैसा लगता है, बट लेकिन दैट सीम्स, यह प्रतीत होता है फेयरली ऑथेंटिक, फेयरली पूरी तरह से ऑथेंटिक, प्रामाणिक लगता है, लेकिन यह पूरी तरह से प्रामाणिक लगता है, क्योंकि बाद में चलकर आइंस्टीन ने एक बहुत बड़ा नाम कमाया, ठीक है, और उनको आज भी उनकी मृत्यु के लगभग 50-55 साल बाद भी पूरी दुनिया जानती है, फिजिक्स के बहुत सारे रूल्स उन्होंने दिए। तो ये जो कहानी है कि वो एक दंतकथा जैसे लगते हैं, यानी उनकी कहानियाँ, अपनी कहानियों के वो एक नायक हैं, ये पूरी तरह से सत्य स्पष्ट होता है, ऐसा लगता है कि ये सारी बातें सत्य हैं, ये लास्ट वाली लाइन, बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक, लेकिन ये बात पूर्णतः प्रामाणिक लगती है, यानी क्योंकि बहुत सारे रूल्स उन्होंने फिजिक्स में दिए, मैथ्स में दिए, इसलिए ये बात पूर्णतः प्रामाणिक लगती है। यानी ओटो न्यूगेबार ने जो बात कही कि वो एक दंतकथा जैसा लगता है, ये बात पूर्णतः प्रामाणिक लगती है, ठीक है। अब आगे एक कहानी बता रहे हैं क्यों ऐसा लग रहा है, कि एक बार फिर से रिविज़न कर लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता इस चैप्टर से लड़ो। तो ओटो न्यूगेबार, द हिस्टोरियन ऑफ एंशियंट मैथमेटिक्स, प्राचीन गणित के इतिहासकार ओटो न्यूगेबार ने एक कहानी सुनाई अबाउट द बॉय आइंस्टीन, बालक आइंस्टीन के बारे में, यहाँ तक हो गया। दैट ही कैरेक्टराइजेस एज अ लेजेंड, इसका मतलब होगा कि वो एक दंत कथा सा लगता है, या फिर वो एक दंत कथा जैसा लगता है। अब इसके आगे ये छोटा सा बचता है, तो इसका मतलब हो जाएगा बट लेकिन दैट सीम्स, यहाँ लगता है या प्रतीत होता है फेयरली, पूरी तरह से या पूर्णतः ऑथेंटिक, प्रामाणिक, लेकिन यह पूरी तरह से प्रामाणिक लगता है। क्लियर हो गया? तो ओटो न्यूगेबार ने, यानी प्राचीन गणित के इतिहासकार ओटो न्यूगेबार ने बालक आइंस्टीन के बारे में एक कहानी सुनाई कि वो ही कैरेक्टराइज एज ए लेजेंड, कि वो एक दंतकथा सा लगता है, बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक, किंतु यह पूर्णतः प्रामाणिक लगता है, ठीक है। यानी ये जो बात कही है उन्होंने, ये पूरी तरह से प्रामाणिक है। अब कैसा क्यों कहा, क्योंकि आगे एक बात बता रहे हैं। देखो, एक बात मैंने और बोली थी कि लेजेंड वो होता है जो तब बोले जब बोलने की आवश्यकता हो, और जब बोले तो उसकी बात का कोई मतलब हो, फालतू में बक बक ना करता रहे। तो वही एक कहानी आगे भी है कि एज ही वॉज अ लेट टाकर, एज क्योंकि ही वॉज अ लेट टाकर, उसने बोलना बहुत देर से शुरू किया। लेट टॉकर मतलब होता है जो देर से बोले, ही वॉज वहाँ था, यानी उसने बहुत देर से बोलना शुरू किया। तो हिज पेरेंट्स वर वरीड, तो अब बच्चा नहीं बोलेगा तो माता पिता को टेंशन तो होगी कि कहीं गूंगा तो नहीं है ना, तो वही चीज़ कह रहे हैं कि एज ही वॉज लेट टॉकर, क्योंकि उसने बहुत देर से बोलना शुरू किया। हिज पेरेंट्स, इसलिए उसके माता पिता वरवरीड, चिंतित थे, इसलिए उसके माता पिता चिंतित थे, या फिर इसलिए उसके माता पिता चिंतित रहते थे। एट लास्ट, अंत में, एट द सपर टेबल वन नाइट, वन नाइट एक रात को, सपर रात के भोजन के समय, टेबल मेज पर, एट द सपर टेबल वन नाइट एक रात, रात्रि के भोजन के समय मेज पर, ही ब्रोक हिज साइलेंस, उसने अपनी चुप्पी को तोड़ा, टू से और बोला, उसने अपनी चुप्पी को तोड़ा और बोला, द सूप इज़ टू हॉट, सूप बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है। तो उसने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि सूप बहुत ज़्यादा गर्म है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि एक रात, रात्रि के भोजन के समय मेज पर, उसने अपनी चुप्पी को तोड़ा और कहा कि सूप बहुत ज़्यादा गर्म है। ग्रेटली रिलीव्ड, अत्यधिक चिंता मुक्त होते हुए, रिलीफ मिल गया एकदम से कि चलो कम से कम बोल तो सकता है, माता पिता को एकदम रिलीफ मिल गया कि चलो बच्चा बोल सकता है। ग्रेटली यानी अत्यधिक, रिलीव्ड मतलब होता है चिंता मुक्त हो जाना। तो अत्यधिक चिंता मुक्त होते हुए हिज पेरेंट्स आस्क, हिज पेरेंट्स के माता पिता ने आस्क पूछा, Why he had never said, उसने क्यों नहीं कहा a word, एक भी शब्द before, इससे पहले। तो why he had never said a word before, उसने इससे पहले एक शब्द भी क्यों नहीं बोला। तो greatly relieved, अत्यधिक चिंता मुक्त होते हुए his parents, उसके माता पिता ने पूछा कि उसने अब तक एक भी शब्द never said, क्यों नहीं कहा। तो अल्बर्ट replied, अल्बर्ट ने उत्तर दिया, Because up to now, क्योंकि अब तक everything, हर एक चीज़ was in order, व्यवस्थित थी, क्योंकि अब तक हर एक चीज़ व्यवस्थित थी, यानी हर एक चीज़ सही जगह पर थी, तो बोलने की आवश्यकता नहीं थी। A headmaster, एक
हेडमास्टर मतलब होता है प्रधान अध्यापक। तो एक प्रधान अध्यापक ने वंस टोल्ड कहा था हिज फादर उसके पिता से। तो एक बार एक प्रधान अध्यापक ने उसके पिता से कहा था दैट कि व्हाट आइंस्टीन चूज, आइंस्टीन क्या चूज करता है, आइंस्टीन क्या चुनते हैं एज अ प्रोफेशन, व्यवसाय के रूप में। तो व्यवसाय के रूप में आइंस्टीन क्या चुनते हैं वुडंट मैटर, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक बार एक प्रधान अध्यापक ने हिज फादर उनके पिता से कहा था कि आइंस्टीन व्यवसाय के रूप में क्या चुनते हैं वुडंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज क्योंकि ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, ही विल नेवर मेक अ सक्सेस, वो कभी भी सफल नहीं होंगे एट एनीथिंग, किसी भी चीज़ में, क्योंकि वो कभी भी किसी भी चीज़ में सफल नहीं होंगे। आइंस्टीन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। तो अब आगे कहते हैं कि आइंस्टीन बिगेन लर्निंग, अब देखो उन्होंने क्या कहा था कि वो किसी भी चीज़ में सफल नहीं होंगे, ऐसा कहा था ना। तो अब उस बात को गलत सिद्ध करने के लिए एक दूसरी कहानी यहाँ पे जोड़ी गई। क्या जोड़ी गई कि आइंस्टीन बिगन लर्निंग, आइंस्टीन ने बिगन शुरू किया लर्निंग, सीखना टू प्ले बजाना वायलिन, वायलिन तो वायलिन बजाना सीखना आइंस्टीन ने शुरू किया एट द एज ऑफ 6, 6 वर्ष की आयु में। तो 6 वर्ष की आयु में या 6 वर्ष की अवस्था में आइंस्टीन ने वायलिन बजाना सीखना शुरू किया, बिकॉज क्योंकि हिज मदर वॉन्टेड टू हिम टू, क्योंकि उसकी माँ वॉन्टेड टू हिम टू, ऐसा चाहती थी, क्योंकि उसकी माँ की यह इच्छा थी। यानी आइंस्टीन ऐसा नहीं चाहते थे, 6 वर्ष का बच्चा क्या चाहेगा, वो तो स्कूल भी नहीं जाना चाहता ना। तो वही कह रहे हैं कि क्योंकि उसकी माँ ऐसा चाहती थी, इसलिए 6 वर्ष की आयु में आइंस्टीन ने वायलिन बजाना सीखना शुरू किया। ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड अम्यूचू वायलिनिस्ट, ही लेटर और बाद में, ही मतलब वहाँ, लेटर मतलब बाद में, वह बाद में यानी और बाद में वह बिकेम बन गए अ गिफ्टेड, गिफ्टेड मतलब होता है प्रतिभा संपन्न, जिसको ईश्वरीय प्रतिभा दी गई हो, यानी बहुत ज़्यादा प्रयास करो। ये कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान, यानी जितना ज़्यादा प्रयास करोगे आप उतने ज़्यादा मजबूत बनोगे। तो वही कह रहे हैं कि गिफ्टेड का मतलब होता है प्रतिभा संपन्न। अम्यूचर, अम्यूचर मतलब होता है शौकिया, जो सिर्फ अपने शौक के लिए वायलिन बजाता हो, वायलिन बजा के पैसे ना कमाता हो, ठीक है। तो एक प्रतिभा संपन्न शौकिया वायलिनिस्ट, वायलिन वादक बन गए। देखो अध्यापक ने कहा था कि वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, किसी भी चीज़ में सफल नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ गलत सिद्ध करके दिखाई गई कि इंसान मेहनत करे तो कुछ भी संभव है, ठीक है। तो उसी तरह से आइंस्टीन बिगन लर्निंग टू प्ले वायलिन, वायलिन एट द एज ऑफ 6, बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उसकी माँ चाहती थी, बिकॉज हिज मदर वांटेड टू ही वांटेड हिम टू, क्योंकि उसकी माँ ऐसा चाहती थी, इसलिए 6 वर्ष की आयु में आइंस्टीन ने वायलिन बजाना सीखना शुरू किया। अब आगे कहते हैं कि लेटर और बाद में वह बन गए एक प्रतिभा संपन्न शौकिया वायलिन वादक, और बाद में वो एक प्रतिभा संपन्न शौकिया वायलिन वादक बन गए। यानी टीचर ने कहा कि वो किसी चीज़ में सफल नहीं होगा, और हमारी कहानी में दूसरी ही लाइन में वो एक प्रसिद्ध या फिर एक प्रतिभा संपन्न, यानी बहुत अच्छी तरह से जो बजाता हो उसको बोलते हैं प्रतिभा संपन्न, ठीक है। तो एक बहुत अच्छी तरह से वायलिन बजाने वाले बन गए, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि एक बहुत अच्छे प्रतिभा संपन्न शौकिया वायलिन वादक बन गए। सोचो मेंटेनिंग, और उन्होंने मेंटेन रखा यानी बनाए रखा दिस स्किल, अपने इस गुण को, अपने इस कौशल को, अपने इस गुण को उन्होंने बनाए रखा थ्रू आउट हिज लाइफ, अपने पूरे जीवन में, यानी आजीवन, यानी जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई तब तक, थ्रू आउट हिज लाइफ यानी आजीवन मेंटेनिंग दिस स्किल, अपने इस कौशल को उन्होंने बनाए रखा। तो मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, तो अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने इस कौशल को बनाए रखा, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि आजीवन उन्होंने अपनी इस कौशल को मेंटेन रखा यानी बनाए रखा। बट अल्बर्ट आइंस्टीन, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड पपिल, एक बैड बुरे पपिल शिष्य नहीं थे, पपिल मतलब होता है विद्यार्थी। तो लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन एक बुरे शिष्य नहीं थे, ही वेंट टू हाई स्कूल, वो हाई स्कूल गए इन म्यूनिक, तो म्यूनिक में वो हाई स्कूल गए, ठीक है, कह सकते हैं ऐसे कि ही वेंट टू हाई स्कूल, वो हाई स्कूल में गए, हाई स्कूल मतलब 10th स्टैंडर्ड,
ठीक है, 10वीं कक्षा। तो 9th और 10th ये दोनों हाई स्कूल के अंतर्गत आते हैं, फर्स्ट ईयर यानी 9th, सेकेंड ईयर यानी 10th। चलो, हाई ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, म्यूनिक में वो हाई स्कूल में गए, वेयर जहाँ यानी जहाँ पर यानी म्यूनिक में आइंस्टीन्स फैमिली, आइंस्टीन का परिवार हैड मूव्ड, बस गया था। व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड, जब वो 15 वर्ष के थे। तो जब वो 15 वर्ष के थे तो जहाँ पर उनका परिवार बस गया था, या फिर आप सीधे सीधे ऐसे ही पढ़ सकते हो कि अल्बर्ट आइंस्टीन एक बुरे शिष्य नहीं थे, ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, वो म्यूनिक में हाई स्कूल में गए जहाँ उनका परिवार बस गया था जब उनकी आयु मात्र 15 वर्ष की थी। ओ सॉरी, मंथ है ना, तो 15 महीने की थी। अच्छा, मैंने गलत बोल दिया तो डाउट हो सकता है, तो देख लो कि बट अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड पपिल, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन एक बुरे शिष्य नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, वो म्यूनिक में हाई स्कूल में गए, वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड, जहाँ पर आइंस्टीन का परिवार बस गया था। वेन ही वॉज 15 मंथ्स ओल्ड, जब वो मात्र 15 महीने के थे। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स, और उन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए। स्कोर्ड गुड मार्क्स मतलब होता है अच्छे अंक प्राप्त करना या फिर अच्छे अंक अर्जित करना। और उन्होंने अच्छे अंक अर्जित किए या फिर और उन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, लगभग हर एक सब्जेक्ट में, लगभग हर एक विषय में। आइंस्टीन हेटेड, आइंस्टीन घृणा करते थे द स्कूल्स रेगिमेंटेशंस, स्कूल के रेगिमेंटेशन कठोर अनुशासन से। स्कूल का अनुशासन बहुत कठिन होता है, जूते पहन के आओ, टाई पहन के आओ, बाल बड़े मतलब रखो, नाखून छोटे रखो, साइकिल यहाँ पर मत खड़ी करो, खेलने मत जाओ, गेट के बाहर मत निकलो, बहुत सारे अनुशासन होते हैं ना विद्यालय में, वही चीज़। तो आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेगिमेंटेशन, स्कूल के कठोर अनुशासन से आइंस्टीन घृणा करते थे या फिर आइंस्टीन नफरत करते थे। एंड ऑफ्टन क्लैश्ड, और ऑफ्टन कई बार या फिर अक्सर क्लैश्ड, भिड़ जाते थे या लड़ जाते थे विथ हिज टीचर्स, अपने अध्यापकों से, और अक्सर वो अपने अध्यापकों से लड़ जाते थे। एट द एज ऑफ 15, 15 वर्ष की आयु में आइंस्टीन फेल्ट सो शिफ्टेड, आइंस्टीन ने बहुत ज़्यादा शिफ्ट महसूस किया। शिफ्ट का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा घुटन का महसूस किया। तो एट द एज ऑफ 15, 15 वर्ष की अवस्था में आइंस्टीन फेल्ट सो शिफ्टेड, शिफ्ट मतलब होता है घुटन महसूस करना। तो आइंस्टीन ने इतनी ज़्यादा घुटन महसूस की देयर, वहाँ पर आइंस्टीन ने वहाँ पर इतनी ज़्यादा घुटन महसूस की दैट ही लेफ्ट, कि उन्होंने छोड़ दिया द स्कूल फॉर गुड, स्कूल को हमेशा के लिए। तो 15 वर्ष की आयु में आइंस्टीन ने वहाँ पर इतनी ज़्यादा घुटन महसूस की कि उन्होंने स्कूल को हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब ध्यान से समझना, ठीक है? देखो, द प्रीवियस ईयर, पिछले वर्ष, प्रीवियस मतलब पिछला, ईयर मतलब वर्ष। तो पिछले वर्ष अल्बर्ट्स पेरेंट, अल्बर्ट के माता पिता हैड मूव टू मिलान, मिलान में बस गए या फिर मिलान चले गए। तो पिछले वर्ष अल्बर्ट के माता पिता, पेरेंट्स मतलब माता पिता, तो अल्बर्ट के माता पिता मिलान चले गए, मूव टू मिलान यानी मिलान चले गए। एंड लेफ्ट देयर सर, सन, सन मतलब बेटे को, और अपने बेटे को लेफ्ट उन्होंने छोड़ दिया विथ रिलेटिव्स, रिश्तेदारों के पास, ठीक है? और उन्होंने अपने बेटे को रिश्तेदारों के पास छोड़ दिया। तो पिछले वर्ष अल्बर्ट के माता पिता मिलान चले गए और उन्होंने अपने बेटे को रिश्तेदारों के पास छोड़ दिया। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, प्रोलॉन्ग डिस्कशन यानी प्रोलॉन्ग मतलब होता है एक लंबे डिस्कशन, विचार विमर्श के बाद। अब आइंस्टीन ने स्कूल छोड़ दिया था क्योंकि वहाँ का जो रूल था, वहाँ के जो अनुशासन थे, वो सब उनको पसंद नहीं थे। तो आइंस्टीन ने बहुत ज़्यादा विचार विमर्श किया, बहुत ज़्यादा सोचा, बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त की कि कौन सा स्कूल ऐसा होगा जो उनके पढ़ने के लिए अच्छा हो, ठीक है? तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि एक आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, एक लंबे विचार विमर्श के बाद आइंस्टीन गॉट हिज विश, आइंस्टीन गॉट हिज विश, विश मतलब होता है इच्छा, गॉट मतलब पूरी हुई। तो आइंस्टीन की इच्छा पूरी हुई। टू कंटिन्यू मतलब होता है जारी रखने की, हिज एजुकेशन उनकी शिक्षा, ठीक है? हिज एजुकेशन, हिज मतलब उनकी, एजुकेशन मतलब शिक्षा या फिर अपनी शिक्षा को जारी रखने की। इन जर्मन स्पीकिंग,
जर्मन स्पीकिंग का मतलब होता है जर्मन भाषी। स्विट्जरलैंड मतलब स्विट्जरलैंड एक जानते हैं आप सभी, जैसे इंडिया, तो इंडिया हिंदी भाषी है, ठीक है, इंडिया में लोग हिंदी बोलते हैं, ठीक उसी तरह से स्विट्जरलैंड है तो स्विट्जरलैंड जर्मन भाषी है, वहाँ पे जर्मन भाषा बोली जाती है। तब इसको पूरा जोड़ के कैसे पढ़ेंगे, ये डाउट है ना। तो ऐसे देखो, आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, इसका मतलब हो जाएगा एक लंबे विचार विमर्श के बाद आइंस्टीन जर्मन भाषी स्विट्जरलैंड में अपनी शिक्षा जारी रखने की इच्छा पूरी हुई। नहीं समझ में आया, एक एक समझो। आइंस्टीन गॉट हिज विश, गॉट हिज विश का मतलब होता है इच्छा पूरी होना। टू कंटिन्यू मतलब होता है जारी रखना। ही इज एजुकेशन अपनी शिक्षा। जर्मन स्पीकिंग मतलब जर्मन भाषी। हिंदी स्पीकिंग होता तो हिंदी भाषी। हिंदी भाषी का मतलब जहाँ पे लोग हिंदी बोलते हों। जर्मन भाषी का मतलब जहाँ पे लोग जर्मन भाषा बोलते हों, ठीक है, वही चीज़। तो जर्मन भाषी स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में। तो आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, एक लंबे विचार विमर्श के बाद आइंस्टीन की जर्मन भाषी स्विट्जरलैंड में अपनी शिक्षा, हिज एजुकेशन अपनी शिक्षा कंटिन्यू जारी रखने की इच्छा गॉट पूरी हुई। अब तो क्लियर है ना कि एक लंबे विचार विमर्श के बाद आइंस्टीन की जर्मन भाषी स्विट्जरलैंड में अपनी शिक्षा जारी रखने की इच्छा पूरी हुई। कहने का मतलब है कि वो आगे पढ़ना चाहते थे, लेकिन जिन स्कूलों में वो अब तक पढ़ चुके थे वहाँ का अनुशासन बहुत ज़्यादा कठोर था, इसलिए वो वहाँ पर नहीं जाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा लंबा विचार विमर्श किया कि सोचा समझा कि कौन सा स्कूल ऐसा है जहाँ पे इतना कठोर अनुशासन नहीं है और बड़ी स्वतंत्रता से वो पढ़ सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा विचार विमर्श करने के बाद उन्हें पता चला कि स्विट्जरलैंड में एक ऐसा विद्यालय है जहाँ पे वो आसानी से अपनी शिक्षा पूरी कर सकते हैं। तो वहाँ पर वो चले गए और वहाँ पे उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। सीधा है, तो अब पूरा इसको ऐसे पढ़ो, ऐसे नहीं समझा सकते किसी को, तो बुक की भाषा में ऐसे पढ़ो कि आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, एक लंबे विचार विमर्श के बाद आइंस्टीन की जर्मन भाषी स्विट्जरलैंड में अपनी शिक्षा जारी रखने की इच्छा पूरी हुई। अब स्विट्जरलैंड के बारे में बोलते हैं, इन ए सिटी, एक ऐसा शहर विच वॉज मोर लिबरल। लिबरेलर मतलब होता है उदार। मोर लिबरेलर, कहीं ज़्यादा उदार था देन म्यूनिक, म्यूनिक से। तो एक ऐसा शहर जो म्यूनिक से कहीं ज़्यादा उदार था, ठीक है। तो पूरा जोड़ के ऐसे पढ़ लो कि पिछले वर्ष एल्बर्ट के माता पिता मिलान चले गए और उन्होंने अपने बेटे को रिश्तेदारों के पास छोड़ दिया, और एक लंबे विचार विमर्श के बाद आइंस्टीन की जर्मन भाषी स्विट्जरलैंड में एक ऐसा शहर जो म्यूनिक से कहीं ज़्यादा उदार था अपनी शिक्षा जारी रखने की इच्छा पूरी हुई। अब कोई डाउट है तो देख लेना, एक बार खुद से डाउट क्लियर कर लेना, फिर आगे चलना। मैंने हर एक तरह से समझा दिया। वीडियो को पॉज करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बार पढ़ लो। अब आगे चलो, मैंने यहाँ पे जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड के बाद ये वाला बता दिया कि स्विट्जरलैंड के बारे में ये वर्ड लिखा गया है, ये वाला सेंटेंस सिर्फ स्विट्जरलैंड के लिए है। तो मैंने बता दिया कि आइंस्टीन की जर्मन भाषी स्विट्जरलैंड इन ए सिटी, एक ऐसा शहर जो म्यूनिक से कहीं ज़्यादा उदार था, में अपनी शिक्षा जारी रखने की इच्छा पूरी हुई। अब आगे कहते हैं कि आइंस्टीन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स। आइंस्टीन वाज हाईली गिफ्टेड, आइंस्टीन बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे इन मैथमेटिक्स, गणित में। आइंस्टीन गणित में बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे एंड इंटरेस्टेड, और उनकी रुचि थी इन फिजिक्स, भौतिक विज्ञान में, और उनकी भौतिक विज्ञान में भी रुचि थी। तो आइंस्टीन गणित में बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे और उनकी भौतिक विज्ञान में भी रुचि थी। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और स्कूल से फिनिशिंग, अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद या अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद, आफ्टर फिनिशिंग स्कूल का मतलब है अपनी शिक्षा स्कूल से समाप्त करने के बाद, ही डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया टू स्टडी, कि वो पढ़ेंगे या फिर अध्ययन करेंगे एट अ यूनिवर्सिटी, एक विश्वविद्यालय में, इन ज्यूरिच, ज्यूरिच के, सी एच है तो इसको पढ़ा जाएगा ज्यूरिख, तो ज्यूरिख के एक विश्वविद्यालय में उन्होंने अपना अध्ययन
जारी रखने का या फिर उन्होंने ज्यूरिख के एक विश्वविद्यालय में अध्ययन करने का निश्चय किया, ठीक है। और स्कूल से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने ज्यूरिख के एक विश्वविद्यालय में अध्ययन करने का निश्चय किया। आप लोग भी निश्चय करते हो ना कि हाई स्कूल हो जाए तो अगले साल जाके उस वाले स्कूल में नाम लिखाएंगे, फिर हाई स्कूल से इंटर हो जाएगा, इंटर के बाद हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने जाएंगे, बनारस विश्वविद्यालय में पढ़ने जाएंगे, तो ऐसा निश्चय करते हैं आप सब भी ना। तो वैसा ही उन्होंने भी निश्चय किया कि वो ज्यूरिख के विश्वविद्यालय में अध्ययन करेंगे, ऐसा उन्होंने डिसाइड किया, ऐसा उन्होंने निश्चय किया, ठीक है। तो आइंस्टीन गणित में बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे और उनकी फिजिक्स में भी रुचि थी, और स्कूल से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने निश्चय किया कि वो ज्यूरिख के विश्वविद्यालय में अध्ययन करेंगे। बट साइंस, लेकिन विज्ञान वॉजेंट द ओनली थिंग, केवल एक ऐसी चीज़ नहीं थी दैट अपील, जो आकर्षित करती थी टू द डैशिंग यंग मैन। डैशिंग, डैशिंग मतलब होता है उत्साही, यंग मैन यानी नव युवक को, विथ वॉलरस मोचिस। वॉलरस, वॉलरस का मतलब होता है मचिस। देखो वॉलरस जैसी मूछें, एक सेकंड, ये जिस स्टाइल में इन्होंने मूछें रखी ना, इसको बोलते हैं वॉलरस जैसी मूछें, ठीक है। तो वॉलरस जैसी मूछों वाला ये जो मूछ है, देखो डर जाओगे, पहले इसको समझो। आइंस्टीन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। तो आइंस्टीन की मैथ में बहुत, आइंस्टीन मैथ में बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे, या फिर आइंस्टीन गणित में बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे, और उनकी फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान में भी रुचि थी। यहाँ तक क्लियर है। और स्कूल से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने निश्चय किया कि वो ज्यूरिख के विश्वविद्यालय में अध्ययन करेंगे। यहाँ तक हो गया, चलो अब आगे देखो। बट मतलब लेकिन साइंस मतलब विज्ञान वॉज नॉट, वॉज नॉट नहीं था द ओनली थिंग। ओनली मतलब केवल एकमात्र चीज़ या केवल एक ऐसी चीज़, लेकिन विज्ञान एकमात्र वस्तु नहीं थी, या विज्ञान एकमात्र चीज़ नहीं थी दैट अपील, जो आकर्षित करती थी टू द डैशिंग यंग, इस डैशिंग, इस उत्साही यंग मैन नवयुवक को, विथ वॉलरस मोचिस। वॉलरस जैसी, मोचिस मतलब होता है मूछें, वॉलरस मतलब वॉलरस जैसी, तो वॉलरस जैसी मूछों वाले इस उत्साही नवयुवक को, ठीक है। तो छोटा कर लो कि लेकिन विज्ञान ही एक ऐसी या एकमात्र ऐसी वस्तु नहीं थी जो इस, जो आकर्षित करती थी इस वॉलरस जैसे उत्साही, वॉलरस जैसी मूछों वाले उत्साही नवयुवक को। तो एक बार आसान शब्दों में देख लो कि बट साइंस वाजंट द ओनली थिंग, लेकिन विज्ञान एकमात्र थिंग नहीं थी, एकमात्र वस्तु नहीं थी दैट अपील्ड, जो आकर्षित करती थी टू द डैशिंग इस उत्साही यंग मैन नवयुवक को, विद द वॉलरस मचिस। मचिस मतलब होता है मूछें, वॉलरस मतलब वॉलरस जैसी, तो वॉलरस जैसी मूछों वाले इस उत्साही नवयुवक को। तो पूरा जोड़ के ऐसे पढ़ सकते हैं, लेकिन विज्ञान एकमात्र वस्तु नहीं थी जो वॉलरस जैसी मूछों वाले इस उत्साही नवयुवक को अपील्ड करती थी, आकर्षित करती थी। अब इसके आगे इनके जीवन में एक नायिका आएगी, एक लड़की आएगी। तो चलो आगे चलते हैं, पहले इसको समझ लिया ना यहाँ पे कि लेकिन विज्ञान ही एकमात्र वस्तु नहीं थी, या फिर विज्ञान ही एकमात्र चीज़ नहीं थी जो वॉलरस जैसी मूछों वाले इस नवयुवक को आकर्षित करती थी। तो अब इसके आगे सातवां पैराग्राफ जो है, यहाँ से आपको कुछ विज्ञान के वर्ड्स भी मिलेंगे, जैसे सापेक्ष, निरपेक्ष, तो सब कुछ समझाना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि आप डरो इस चैप्टर से, इसलिए आज के इस वीडियो में हम सिर्फ यहीं तक पढ़ते हैं। मैं इसका एक सेकेंड पार्ट भी आपको दूंगा, ताकि आप विज्ञान के वर्ड्स, जहाँ पे मैं अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, ताकि आपको कोई डाउट ना हो इस चैप्टर में, क्योंकि ये एक साइंटिस्ट थे तो इनके जो वर्ड्स हैं वो भौतिक विज्ञान से रिलेट करते हैं, भौतिक विज्ञान से जुड़े हुए हैं। इसका सेकंड पार्ट पाने के लिए आप, सबसे सीधा तरीका है, सबसे आसान तरीका है कि आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, और उसके आगे आप जोड़ दीजिए डिज़ायर पॉइंट। नीचे जो चैनल का नाम है हमारा, सिर्फ यही जोड़ दीजिए डिज़ायर पॉइंट, यानी डिज़ायर लिखना है और इस पॉइंट को डिज़ायर के आगे लिखना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए मैंने नीचे लिख दिया। तो आपको इसका सेकेंड पार्ट मिल जाएगा, या फिर अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही मैं इसका सेकंड पार्ट अपलोड करूँगा आपको उसका लिंक मिल जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान है,
इसलिए इस चैप्टर को एक बार खुद से पढ़ लेना, क्योंकि जब चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान होती हैं तो वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होती हैं। चलो आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर करना, ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। इसके सेकेंड पार्ट के साथ मैं आपसे फिर से मिलूँगा।